नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव की चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, जहां सभा में शामिल होने पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह भी पहुंचे थे, परंतु पुलिस कर्मियों के द्वारा सरताज सिंह को यह बोलकर सभा स्थल से भारी रोक दिया गया कि आपका नाम सूची में नहीं है, जिसके बाद पूर्व नपा अध्यक्ष राजेंद्र जैन वहां पहुंचे। साथ ही पुलिस कर्मियों से बहस भी हुई एवं नपा अध्यक्ष एवं भाजपा के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व मंत्री सरताज सिंह को मंच पर ले जाया गया। 15 मिनट तक पुलिस जवान और पूर्व मंत्री में बहस चलती रही। बाद में सिवनी मालवा के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने मंच पर पहुंचकर सरताज सिंह को पुलिस द्वारा रोके जाने की सूचना दी, जिसके बाद एसडीओपी सौम्य अग्रवाल के पास किसी अधिकारी का फोन आया। उसके बाद सरताज सिंह को मंच पर आने दिया गया, जबकि सरताज सिंह ने पुलिस के जवानों को अपना परिचय दिया था, उसके बाद भी उनको रोका गया। इस संबंध में मीडिया को सरताज सिंह ने बताया कि सूची में मेरा नाम नहीं था, इसलिए मुझे रोका गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है। सिवनी मालवा के राजनीतिक गलियारों में सरताज सिंह को रोके जाने की चर्चा जोरों पर है और हर कोई दबी जवान में ये कह रहा है कि सरताज सिंह पूर्व मंत्री है और उनके साथ जो घटना हुई है वह बहुत शर्म की बात है। एक पूर्व मंत्री के साथ पुलिस का यह व्यवहार ठीक नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस भी मैदान में आ गई है एवं कांग्रेस नेताओं के द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि सिवनी मालवा में मुख्यमंत्री की सभा के मंच पर पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सरताज सिंह को जाने से रोक दिया गया। भाजपा में वरिष्ठों का इसी तरह से सम्मान किया जाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मंच पर हमारे 15 वार्डों के पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आप सबके सामने चुनावी मैदान में है। आगामी 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर आप अधिक से अधिक संख्या में सूर्य होते हुए, चाहे हमारे माननीय विधायक हो, सांसद हो, या प्रदेश की सरकार हो, या केंद्र की सरकार हो, हम उस कड़ी में विकास में सहभागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेंद्र जी। अब हमारे बीच में क्या कहेंगे आप, बताइए। रोक भी लिया गया है। मुझे कुछ नहीं कहना, ये बात सही है। कोई पुलिस के पास जो सूची है उसी हिसाब से उन्होंने अलाउ किया, तो हमारा नाम नहीं था तो रोक दिया। फिर तो उसके बाद जाके बातचीत जैसी भी हुई होगी तो मैसेज आया होगा। तो फिर लगभग आपको काफी देर तक इंतजार करना पड़ा इसके बाद जब मंच से आया। जब चलता भाई, अब क्या करो, इतने बड़े कार्यक्रम में गलती हो ही जाती है। कुछ अंदरूनी बात बताइए। नहीं, अंदरूनी